आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड नंबर वन इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज अमिता लेकर आई हूँ प्रोग्राम कागज कलम दवात। और आज अपनी भारतीय साहित्य की जगत की दुनिया में जिसके बारे में हम बात करेंगे, उसे बचपन से ही हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, एक बंगाली में लिखने वाले कवि, गीतकार, कहानीकार, उपन्यासकार, प्ले राइटर और एक्टर, चित्रकार, और जिनका लिखा गीत आज भारत का राष्ट्रगान है। जी हाँ, आप सब समझ गए मैं किसके बारे में बात करूंगी। हम बात करेंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। और अगर मैं बंगाली में बोलने की कोशिश करूं तो उनको बोलते हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, या कहें गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर। रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में बात करेंगी और उनके आज मैं अपने प्रोग्राम में उनके ये जो धुनों पर बने हुए फिल्मी गीत है वो सुनाऊंगी आपको। अभी आप पहले सुनिए उनका ही लिखा और उनकी ही म्यूजिक की, उनकी ही डायरेक्शन, उनके ही संगीत का जो एक सॉन्ग है वो सुनिए। उसके बाद हम बात करेंगे गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में। अब गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के टैगोर कैसे बने, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये गीत सुनिए और बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয় ওরে ওরে ও ভাগা, কেউ কথা না কয় যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে, সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে, সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি সবাই ফিরে যায় ওরে ওরে ও ভাগা, সবাই ফিরে যায় যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়, যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়, তবে পথের কাঁটা ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দল রে, ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দল রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
যদি আলো না ধরে ওরে ওরে ও ভাগা আলো না ধরে যদি ঝড় বাদলে আধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে যদি ঝড় বাদলে আধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে তবে বজ্রা নলে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জলরে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জলরে যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে Debate is an obsession. It's time to take a stand. Do you think you have an upper hand? Then let's debate every controversial matter in Badalta Door. Every Saturday from 10 p.m. to 11 p.m. only and only on Radio Udaan. चलिए दोस्तों अब बात करते हैं गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। अब अगर हम भारत की हिस्ट्री में जाएं तो ब्रिटिशर्स ने भारत की अर्थव्यवस्था को तो पूरी तरह से नष्ट करके रख दिया था। ब्रिटिश कारोबारियों के जहाज बंगाल के बंदरगाह पर खड़े रहते थे तो इन कारोबारियों को उनके रोजमर्रा की चीजें और नाव इनका बंदोबस्त करवाते थे पंचानन ठाकुर जो उस वक्त के बहुत ही नोन बिजनेसमैन थे। अब अंग्रेज ये जो नाम था पंचानन ठाकुर इसमें ठाकुर को ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे तो वो बोलते थे टैगोर। फिर बाद में उनके बोलने पर यही नाम बनता गया। फिर उन्होंने यही नाम अपनी कंपनी का भी रख लिया टैगोर एंड कंपनी। अब गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का घर कहा जाता है जहाँ कोलकाता में उनका घर था उसे जोरा सांको के नाम से जाना जाता है और उनके पास हजारों एकड़ की जमीन थी कई चीनी की मिलें कई चाय के कारखाने कई नील के कारखाने कई शिप्स और कई बोट्स थी। टैगोर एंड कंपनी बिजनेस में तो अपना नाम कमा ही रहे थे साथ में भारत के बहुत सारे प्रतिष्ठान उनकी नींव भी इन्होंने ही रखी। इनमें है नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता मेडिकल कॉलेज कोलकाता इसके साथ ही भारत की खास वैज्ञानिक संस्थानों की नींव भी टैगोर खानदान की हेल्प से पड़ी थी। इसमें आते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण। अब अगर हम फिर से गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की हिस्ट्री में जाते हैं तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के जो दादाजी थे द्वारका नाथ ठाकुर वो उन्होंने भारत के जो समाज सुधार आंदोलन चल रहे थे उसमें बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और राजा राम मोहन राय के गहरे दोस्त थे और राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर के साथ फिर उन्होंने काफी काम किया। अब गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर वो बिजनेस में जरा कम इंटरेस्ट लेते थे वो जरा सन्यासी स्वभाव के थे। तो राजा राम मोहन राय की डेथ के बाद उन्होंने ब्रह्म समाज का उत्तराधिकार संभाला। देवंत में 1861 में जब गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर इस दुनिया में आए तो वो अपने माँ बाप की 14वीं संतान थे। उनके पिताजी अब वो समाज सुधार आंदोलन और बिजनेस इसमें ही काफी बिजी थे और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के पैदा होने के बाद उनकी माताजी शारदा देवी वो काफी उनकी काफी तबीयत खराब रहनी शुरू हो गई थी तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की देखभाल वे घर में काम करने वाले करते थे। इससे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर
वो जो माँ बाप का एक साथ होता है बचपन में, उसकी काफी कमी रही। अब बताते हैं कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की देखभाल करने वाला जो एक था, उसका नाम था श्याम। अब वो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के जो शैतानियां थी उससे काफी परेशान था, इसलिए उसको थोड़ा कंट्रोल में रखने के लिए शैतानी को उन्हें रामायण सुनाते थे और फिर उनके आसपास चौक से लाइन खींच देते थे और फिर कहते थे ये लक्ष्मण रेखा है, अब अगर इसको क्रॉस करोगे तो रावण तुम्हें उठाकर ले जाएगा। अब गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर पर इसका असर भी बहुत हुआ, वो एक तरह के डर में रहे। फिर जब वो बड़े हुए तो उन्होंने लिखा, हम घर के बाकी काम करने वालों के सहारे जिए, हमारे मन को बिल्कुल जकड़ कर रख दिया गया था। श्याम ने लक्ष्मण रेखा से बाहर निकलने पर चेतावनी दी थी, घेरे से बाहर निकलने पर बड़ी मुसीबत होगी। मैं मन ही मन उस विपत्ति से डरता रहा। हमारे पास कपड़े लत्ते एक दो जोड़ी ही थे। 10 साल का होने तक मैंने मोजे या कहे सॉक्स नहीं पहने। एक जोड़ी स्लीपर जो पैरों से भी बहुत बड़े थे उसी में ही रहे। अब गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई तो स्कूल जाते थे, लेकिन गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के घर में जो पढ़ाई का एटमॉस्फेयर था उसमें छोटे बच्चों के पढ़ाने के लिए उनके ट्यूटर बुलाए जाते थे, तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ाने के लिए भी ट्यूटर आता था। एक दिन गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनके सामने जिद मचा दी कि मुझे भी अपने भाइयों की तरह स्कूल जाना है, मुझे नहीं पढ़ना, मुझे स्कूल जाना है। उस टीचर ने गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की पिटाई लगा दी। अब जब फिर बाद में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को स्कूल में डाला गया तो वहां पर भी उन्होंने देखा कि टीचर्स बच्चों को मारते हैं, तो इसका भी गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के ऊपर बहुत जबरदस्त असर पड़ा और उनके अंदर जो एक एटमॉस्फेयर को देखकर जो था ना, पढ़ाई से मन उचट गया। उनके वैसे समझ भी नहीं आता था कि स्कूल का नाम विद्या का मंदिर क्यों है, जब यहाँ टीचर्स स्कूल में बच्चों की पिटाई करते हैं। अरे दोस्तों, अब यहाँ लेते हैं छोटा सा अल्पविराम, या कहेंगे छोटा सा ब्रेक। इसके बाद फिर मिलते हैं आपसे और बात करेंगे हम गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। पंछी रे तू बहुत बड़ा पिंजरा तेरा, नन्ना सा पंछी रे तू बहुत बड़ा पिंजरा तेरा, उड़ना जो चाहवी कहाँ तुझे उड़ने दिया, उड़ना जो चाहवी कहाँ तुझे उड़ने दिया, लेके तू पिंजरा उड़े चले कभी ऐसी हवा। पंछी रे पंछी रे, नन्ना सा पंछी रे तू बहुत बड़ा पिंजरा तेरा,
पंछी रे पंछी रे नन्ना सा पंछी रे तू बहुत बड़ा पिंजरा तेरा नन्ना सा पंछी रे तू बहुत बड़ा पिंजरा तेरा From womb to tomb, from birth to death, everything has to face turning. Every turning has its own beginning. Every turning has its own end. Every turning has a new obstacle, and every turning has a new life. Billions born, but thousands alone remember. Why? To know more, listen to Turning Point with Balanagendran, the lane to lavish life, the place where you can turn your average life to astonishment. Don't forget to tune into Radio Udaan to listen to Turning Point with Balanagendran on every Thursday 8 to 9 p.m. which will be rebroadcasted on every Friday 3 to 4 p.m. Turning Point with Balanagendran. हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी जो सन्यासी स्वभाव के थे, एक बार उन्होंने जब गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर 10-11 साल के थे तो उनसे कहा कि वो उनके साथ हिमालय पर चलेंगे क्या। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर तो बहुत खुश हुए क्योंकि उनका पढ़ाई से तो मन उचट ही गया था। वो बहुत खुशी खुशी अपने पिताजी के साथ चल दिए। तो पहले वो लोग अपने जब ये सफर उनका चला हिमालय के लिए, तो पहले वो अपने शांति निकेतन स्टेट वहां पर आकर ठहरे और फिर अमृतसर गए और वहां कुछ दिन रुके। अब वो रोज गोल्डन टेम्पल जाते थे तो उस गुरुद्वारे का जो वातावरण था उसका रविन्द्रनाथ टैगोर के विचारों पर बहुत असर पड़ा उसका। फिर डलहौजी पहुंचे। अब ये जो जर्नी चली, जो जर्नी वो ये जो रहे कुछ दिन वहां पे पहाड़ों पर, तो उनके फादर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ाते थे संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और अध्यात्म, जैसे कहीं स्पिरिचुअलिटी और खगोल विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, ये सब पढ़ाते थे। रामायण गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को संस्कृत में पूरी तरह से रट गई थी। एक एक लाइन, कविता, साहित्य, गीत संगीत गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को
विरासत में मिले थे। उनके सबसे बड़े भाई फिलोसोफर और पोएट थे, इसी तरह से एक भाई सिविल सर्विसेज में थे, तो एक भाई संगीतकार और प्ले राइटर थे। उनकी सिस्टर उपन्यास लिखती थी, इसी तरह से कोई ब्रदर उनके पियानो बजाने में, कोई तानपुरा बजाने में, और इसी तरह से सब किसी न किसी चीज में काफी मशहूर थे और काफी परफेक्ट थे। तो गीत संगीत कविता कविता कहानी तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व में पूरी तरह से रची बसी हुई थी। अब जब वो वापस आए 4 महीने बाद, जो हिमालय गए थे और वहां से वापस आए, तो 12 साल की उम्र में उन्होंने अपनी कविता लिखी अभिलाषा, और ये कविता तत्व बोधनी नाम की मैगजीन में छपी। वे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को सेंट जेवियर स्कूल में एडमिशन दिलाया गया, लेकिन 1875 में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्कूल छोड़ दिया, वो स्कूल नहीं जाते थे। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की इधर मम्मी की भी तबीयत काफी खराब रहना शुरू हो गई। एक तो और जब वो 13 साल के थे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, तो उनकी डेथ हो गई। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत उदास हो गए। बचपन से ही उनकी देखभाल की जिम्मेवारी घर के काम करने वालों पर थी। जो थोड़ा बहुत मम्मी का साथ था वो भी खत्म हो गया, तो वो अंदर से काफी गहरी, उनको बहुत जबरदस्त असर पड़ा, तो उदास रहना शुरू हो गए थे। ऐसे वक्त पर उनसे उनका बड़ा ब्रदर जितेंद्रनाथ और उनकी वाइफ कादम्बरी, इन्होंने काफी सहारा दिया गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को। वो दोनों एक दोस्त और माँ की तरह बन गए। फिर जब वो 14 साल के थे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, तो उन्होंने 1600 पंक्तियों की एक कविता लिखी वन फूल, और ये कविता ज्ञानांकुर नाम की मैगजीन में छपी। फिर 1877 में वॉइसराय लॉर्ड लिटन आए भारत में और उन्होंने एक मीटिंग रखी। इस पर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने व्यंगात्मक कविता लिखी और इसे हिंदी मीले में सुनाया, और फिर चारों तरफ गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की धूम मच गई। सारे उनकी कविताओं को बहुत पसंद करते थे और उन्हें पढ़ना चाहते थे। इतनी पॉपुलर हुई कि वो उसे ढूंढते थे पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा। अब अगर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर घर की बात करी जाए, तो घर में सब काफी परेशान थे उनके करियर को लेके, क्या वो क्या करेंगे। वो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर बैरिस्टर बनना चाहते थे, लेकिन इसके लिए इंग्लिश का जरा अच्छा होना जरूरी था। तो वो अपने भाई सतेंद्रनाथ, जो अहमदाबाद में रहते थे और डिस्ट्रिक्ट जज थे, उनके यहाँ चले गए। यहाँ गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने पश्चिमी साहित्य पढ़ा। अब गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को इंग्लिश बोलनी तो आ गई, लेकिन प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम होती थी। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को मुंबई भेजा गया किसी के यहाँ। अब वहाँ वो जिस घर में रहे, उनकी बेटी अन्नपूर्णा इंग्लैंड से पढ़कर आई थी। अब वो और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए, और उन्होंने गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की प्रोनाउंसिएशन ठीक भी की, और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनका नाम रख दिया नलिनी। अब बाद में यही नलिनी गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियों और नॉवेल्स में मेन कैरेक्टर्स भी रही है। अब गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई सतेंद्रनाथ का तबादला हो गया इंग्लैंड में ब्रिस्टन में, और फिर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को वो अपने साथ ले गए इंग्लैंड में, और वहाँ लंदन यूनिवर्सिटी में उन्हें एडमिशन दिला दिया। अब ब्रदर ब्रिस्टन में रहते थे और वो लंदन में रहते थे, तो उन्हें गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को बहुत अकेलापन महसूस होना शुरू हो गया। तो फिर इससे परेशान होकर उन्होंने फैसला किया कि वो इंग्लिश फैमिली के साथ एज ए पेइंग गेस्ट रहेंगे।
तो वो डॉक्टर स्कॉट के घर पर जाकर पेइंग गेस्ट की तरह रहने लगे। और डॉक्टर स्कॉट की तीन लड़कियां थी, उनके साथ अब गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। और उनमें से एक लड़की ने गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को इंग्लिश और आयरिश सॉन्ग्स का म्यूजिक सॉन्ग्स सिखाती थी और इंग्लिश कल्चर भी सिखाती थी। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ये सब बातें चिट्ठी में लिखकर घर भेजते थे। अब घर पर लेकिन इसका अलग असर हुआ। उन्हें चिंता हो गई कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ये सब इतना इंग्लिश कल्चर सीखकर के भारतीय सभ्यता को ना भूल जाए। तो उन्हें तार देकर बुलाया गया और फिर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर अपनी पढ़ाई बीच में छोड़कर भारत वापस आ गए। लेकिन ये जो इंग्लिश म्यूजिक और आयरिश म्यूजिक जो उन्होंने सीखा, इसका उनके ऊपर काफी असर रहा। फिर यही आयरिश म्यूजिक को उन्होंने इंडियन म्यूजिक के साथ मिक्स करके अपना संगीत बनाया और फिर यही संगीत गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का कई बंगाली पिक्चर्स में और हिंदी की पिक्चर्स में ये वाला म्यूजिक यूज हुआ है। चलिए दोस्तों, आप उसी से ही ऐसा ही गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के म्यूजिक का एक गाना सुनिए। बस हम यूं गए और यूं आए। आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं गीत तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं। मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा, छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। एक मंच जहां मिलती है महत्वपूर्ण जानकारियां। सवाल हो और जवाब दूं, एक मंच जहां होते हैं हंसी और ठहाके। वाह, एक मंच जहां होती हैं चर्चाएं। दूसरी वाली आपको नहीं समर्पित करूंगा। नहीं कीजिए, नहीं बड़े स्पोर्टिंग। आप पहले सुन लीजिए उसके बाद कहिएगा आपको चाहिए समर्पण कि नहीं चाहिए। एक मंच जहां मिलेगा लोकप्रिय संगीत। और इन सब के बीच एक ऐसा मंच जहां मिलता है सब कुछ। लॉग ऑन कीजिए www.radioudaan.com और जुड़ जाइए हमारे साथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज अमिता लेकर आई हूँ प्रोग्राम कागज कलम दवात। और हम बात कर रहे हैं आज गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जब अपनी पढ़ाई लैंड में छोड़कर वापस आ गए थे कोलकाता, तो उन्होंने फिर अपनी और गीत और कविताएं लिखी
और ये संध्या संगीत के नाम से छपी दो संगीत नाटक लिख के वाल्मीकि प्रतिभा और ताल्मीक ये भी बहुत मशहूर हुए। फिर उन्होंने अपना पहला नॉवल लिखा छोटी रानी का हार और ये भी बहुत फेमस हुआ। फिर उन्होंने अपनी बहुत ही फेमस पोयम लिखी निरक्षरेल स्वप्न भंग, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के सूर्योदय के समय लिखी गई कविताओं के संकलन में छपी। संकलन का नाम था प्रभात संगीत। अब घर में सब लोग बहुत परेशान थे, खुद रविन्द्रनाथ टैगोर को भी चिंता हो रही थी कि वो अपने करियर को क्या करेंगे, अब वो कौन सा करियर चूज करें। घर में सब जो थे वो अपने कोई ना कोई काम में लगे हुए थे, अपना कोई कारोबार हर कोई कर रहा था, लेकिन खानदानी जमींदारी की जिम्मेवारी कोई भी उठाना नहीं चाहता था। फिर ये काम गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को सौंपा गया। फिर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की शादी हो गई। उनकी वाइफ सिर्फ 11 साल की थी, उसका नाम था भवतारिणी और शादी के बाद उसका नाम रखा गया मृणालिनी। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को अपने पिताजी का यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं था। एक तो उनकी वाइफ उम्र में ही छोटी और फिर बिल्कुल ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, लेकिन बाद में जब वो वाइफ उनकी उनके रंग में पूरी तरह से रंग गई तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत खुश हुए और फिर उन्होंने अपनी वाइफ को आगे पढ़ाया। लेकिन शादी के 4 महीने के बाद गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की भाभी जी कादम्बरी ने आत्महत्या कर ली। इसने सारे परिवार को हिला कर रख दिया। पिछले गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर बहुत हिल गए क्योंकि वो अपनी इस भाभी को अपनी माँ की तरह मानते थे और फिर उनकी वाइफ उनसे बहुत छोटी थी तो अपने मन की बात करे तो किसके साथ करे। जब उनकी भाभी जी ने आत्महत्या कर ली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। फिर उन्होंने अपना सारा ध्यान अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए सारा ध्यान कविता लिखने, नाटक लिखने और नाटकों में एक्टिंग करने और समाज सुधार आंदोलनों में लेना शुरू कर दिया। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे फिर से एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो उड़ान अप लाइट ऑफ लाइफ। बस ये गीत सुनिए और हम यूं गए और यूं आए। खेले चंदा बादल में
तुझे थामे कई हाथों से, मिलूंगा मद भरी रातों से, तुझे थामे कई हाथों से, मिलूंगा मद भरी रातों से। जगा के अनसुनी सी धड़कन बलम भर दूंगी तेरा मन, नई अदा से सताएगी, नई अदा से सताएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रना, नया कोई गुल खिलाएगी, नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है तेरे नैना। देखो ना तेरे मेरे मिलन की ये रना। तो फ्रेंड्स, अपने अल्प विराम को यहीं समाप्त करते हैं और इस खूबसूरत गीत के बाद फिर से आते हैं और बात करते हैं हिस्ट्री के एक बहुत ही जानी मानी हस्ती गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। हम बता रहे थे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की शादी हो गई, वो अपने लेखनी के क्षेत्र में भी पूरी तरह से जुटे हुए थे। परिवार की तरफ से भारतीय पत्रिका निकाली जाती थी जिसके संपादक उनके बड़े भाई थे। फिर रविन्द्रनाथ ने बालक नाम की पत्रिका खुद शुरू करी। इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी का बहुत ही गहराई से अध्ययन होता था। 1894 से 1900 के बीच में लिखी गई उनकी कविताओं का संग्रह सोनार तारी बाजार में आया और ये संग्रह बहुत ही फेमस हुआ था। फिर उनकी बहुत सारी रचनाएं आईं, पोस्टमास्टर, चित्रा, नदी, चैताली, विदाई, अभिशाप, बैकुंठ कथा और काबुली वाला। और ये काबुली वाला तो स्टोरी बहुत ही मशहूर है, इसके ऊपर तो पिक्चर भी बन चुकी है। इसी तरह गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक और कहानी लिखी थी नष्ट नीड, जो उन्होंने आधुनिक सभ्यता और पुरानी भारतीय सभ्यता के बीच में जो एक खिंचाव है उसके ऊपर उन्होंने कहानी लिखी थी जिसके ऊपर पिक्चर बनी थी चारुलता। अब अगर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की पर्सनल लाइफ में जाए तो शादी के 20 साल बाद उनकी वाइफ की तबीयत काफी खराब रहने लगी, फिर उसकी डेथ हो गई। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर सारी रात छत पर टहलते रहे और सोचते रहे, पहले माँ, फिर भाभी जी और अब पत्नी। उनको ये दुख बहुत बुरी तरह से अंदर तक झकझोर रहा था। अपनी पत्नी की याद में उन्होंने 27 कविताएं लिखी स्मरण के नाम से। अब अपनी पत्नी के डेथ के बाद गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके 5 बच्चे थे, 3 लड़कियां और 2 लड़के, उनकी देखभाल वो खुद करते थे क्योंकि उन्हें अपना बचपन का दुख याद था। उन्हें अपने मम्मी पापा का साथ नहीं मिला था, वो अपने बच्चों को वो दुख नहीं देना चाहते थे। लेकिन दुख ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। अपनी वाइफ की डेथ के 1 साल बाद उनकी एक बेटी की तबीयत काफी खराब हो गई और फिर उसकी डेथ हो गई। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को तो ये बहुत बड़ा सदमा लगा। वो अपनी इस बच्ची से बहुत प्यार भी करते थे। फिर 2 साल बाद उनके फादर की डेथ हो गई। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को एक और झटका लगा क्योंकि वो अपने फादर को भगवान की तरह मानते थे अपने। ऐसे ही एक बार उनकी बेटी की भी डेथ हो गई। इस झटके से भी उबरने में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को बहुत वक्त लगा था। इधर अगर स्वतंत्रता आंदोलन की बात की जाए तो केसरी के संपादक बाल गंगाधर तिलक को राष्ट्रद्रोह के इल्जाम में जेल में भेज दिया गया। सारे देश में गुस्सा भड़क उठा
गुरु रविन्द्रनाथ ने इसके विरोध इसका बहुत विरोध किया और बहुत बड़ी जनसभा में उन्होंने अपना लेख कंठ रोध पढ़ा और तिलक बाल गंगाधर तिलक की रिहाई के लिए आंदोलन चलाया और फंड इकट्ठा किया। अब नई सदी की शुरुआत हुई। फिर उन्होंने अपनी कविता लिखी सदी का अंत, बच्चों के लिए नाटक लिखा शरदोत्सव और ये नाटक बंगला में बहुत जबरदस्त पॉपुलर है। एक तरफ गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर अपने अंदर के अकेलेपन और वीरानी से जूझ रहे थे तो दूसरी तरफ देश का स्वतंत्रता आंदोलन भी था, वो भी उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। 1905 में जब बंगाल पार्टीशन या कहे बंग बंग की घोषणा हुई तो ये तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका बहुत जमकर विरोध किया। चारों तरफ कई सभाएं और भाषण किए गए। अब उनके कलम से देश प्रेम से जो भरी रचनाएं थी वो उन्होंने लिखनी शुरू कर दी। अब जो पढ़ने वाले थे वो खूब जोर शोर से उनकी लिखी रचनाओं को गाते थे, लेकिन फिर इन देश प्रेम की रचनाओं को गाने पर पाबंदी लग गई और ऐसे गीत गाने वालों को स्कूल कॉलेज से निकाला गया। तब गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्कूल कॉलेज खोलने के लिए एक समिति बनाई। इसके चीफ थे महर्षि अरविंद घोष। लेकिन बाद में जब यही स्वतंत्रता आंदोलन जब वायलेंट हो गया तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने आप को इस मूवमेंट से अलग कर लिया, क्योंकि वो अहिंसा के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, नॉन वायलेंट मूवमेंट पे ज्यादा विश्वास रखते थे। इसके लिए उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन उनके हिसाब से जो वो जिस बात पे कायम थे वो उसी पर कायम रहे। उन्हें ये वायलेंस बिल्कुल पसंद नहीं थी। वैसे जब वो पहले मीटिंग करते थे तो वो लोगों से कहते थे कि जब वो मिले सड़क पर तो एक दूसरे को राखी बांधे, ताकि ये एक संदेश रहेगा कि हम सब एक हैं, हमें कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। ऐसे 1938 अब अगर उनकी जो रचना वाली जो लिखते हैं गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, उन्होंने एक नॉवल लिखा था गोरा और ये नॉवल बहुत ही पॉपुलर हुआ था। ये नॉवल लिखा था उन्होंने एक लेडी पर जो विवेकानंद जी से गुरु विवेकानंद जी से मिलने आती थी और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के घर पर ठहरती थी। फिर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी 157 कविताओं का एक संग्रह पब्लिश किया गीतांजलि। ये बहुत जबरदस्त फेमस हुआ था, बहुत ही जबरदस्त फेमस। फिर 1911 में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने सोचा कि वो यूरोप जाकर अपने बेटे और बहू के साथ रहकर आएंगे। उनका सारा सामान पैक हो गया लेकिन वो मिलने नहीं जा पाए और बेहोश हो गए। उनका सामान वापस भेजा गया। फिर जब गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की कुछ टाइम बाद तबीयत ठीक हुई तो उन्होंने अपनी इन्हीं कविताओं का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया और जब ये कविताएं इंग्लिश में छपी तो इसकी इतनी जबरदस्त धूम मची कि इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी राइटर्स और पोएट्स थे वो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलने के लिए बेकरार हो गए थे। फिर 1913 में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया और वो एशिया के पहले राइटर थे जिन्हें ये सम्मान मिला। दुनिया में चारों तरफ गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की धूम मच गई। लोग चारों तरफ अब खुशी से गीत गाने लगे और चारों तरफ नाचने गाने लगे। हालांकि ये उन्हें नहीं पता था कि नोबेल प्राइज क्या चीज होती है, नोबेल प्राइज का सम्मान क्या है, लेकिन उन्हें बस ये खुशी थी कि कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और उन्हें कोई सम्मान मिला है, बस इसी बात की सबने खुशियां मनाई। फिर तो क्या था, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के घर में लेटर्स और लोगों का तांता लग गया। अब वो इससे भी काफी परेशान हो गए। एक महीने तक ये सिलसिला चला। इसके बाद गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर इतने उग गए कि उन्होंने सबसे मिलना बंद कर दिया। और फिर एक बार तो एक ट्रेन में लोग बैठ कर आए थे पूरे पर सिर्फ गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को मतलब उनको बधाई देने के लिए,
लेकिन गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनसे मिलने से मना कर दिया। फिर उन्होंने एक बार किसी को कहा कि वो इससे नहीं मिलना चाहते, क्योंकि जो उनसे मिलने आते हैं उन्होंने कभी उनके लिखा जो है उसे कभी पढ़ा नहीं है, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, बस सिर्फ उन्हें बधाई देने के लिए और सिर्फ सम्मान देने के लिए। कहते वो सिर्फ उनके सम्मान को सम्मान देने के लिए आते हैं और जो उन्होंने लिखा है उसके बारे में उसे कुछ नहीं जानते, वो इसलिए सबसे मिलना बंद कर चुके थे। ऐसे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर सिर्फ नोबेल प्राइज पाने वाले एशिया के पहले व्यक्ति ही नहीं, बहुत सारे गुणों से परिपूर्ण थे, इसलिए आप वो सारे देश में गुरुदेव के नाम से भी मशहूर हो गए थे। अब गुरुदेव शब्द जो था अब एक उनकी पहचान बन गया था। चलिए दोस्तों अब यहाँ लेते हैं फिर से एक छोटा सा अल्प विराम या के छोटा सा ब्रेक। अभी जो आप गीत सुनेंगे वो गीत जगजीत सिंह ने गाया है और ये गीतांजलि कविता है गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर। जब नीरस हो जाए करुणा धारा बन आओ, सारी माधुरी जब खो जाए गीत सुधा रस बरसाओ। जीवन जब नीरस हो जाए करुणा धारा बन आओ। करम ले जब प्रबल आकार गरज छाए चहुँओर, करम ले जब प्रबल आकार गरज उठे छाए चहुँओर, अंतर में है जीवन नाथ शांत चरण धर आओ। जीवन जब नीरस हो जाए करुणा धारा बन आओ। स्वार्थ में डूबा दीन पड़ा रहे जब वाकारण, खोल के द्वार हे उदार नाथ राज समारोह में आओ। स्वार्थ में डूबा दीन हीन मन कोने पड़ा रहे जब वाकारण, हे उदारनाथ राज समारोह में आओ। वासना हो जब विपुल धूल दृष्टि हरे अबोध करे, वासना हो जब विपुल धूल दृष्टि हरे अबोध करे, हे पवित्र हे वनेद्र रुद्र लोक में आओ। जीवन जब नीरस हो जाए करुणा धारा बन आओ। जीवन
जाए, करुणा धारा बन आओ, सारी माधुरी जब खो जाए, गीत सुधा रस बरसाओ, जीवन जब नीरस हो जाए, करुणा धारा बन आओ। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज अमिता लेकर आई हूँ प्रोग्राम कागज कलम दवा, और हम बात कर रहे हैं आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में। अब हम बात करेंगे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी के बारे में। 1913 में जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में अपना अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें चिट्ठी लिखकर वहां भेजी, और फिर दोनों के बीच में बातचीत हुई, और फिर जब गांधी जी भारत वापस आए तो उन्हें फिक्र थी कि उनका जो फिनिक्स आश्रम है उसके कुछ लोग जो है वो कहाँ ठहरेंगे, तो उनके ठहरने का बंदोबस्त शांति निकेतन में किया गया, और फिर गांधी जी भी वहां ठहरे। और 10 मार्च को जब गांधी जी शांति निकेतन से आए, तो वो दिन 10 मार्च आज तक शांति निकेतन में गांधी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसी तरह से गुजरात में जब साहित्य सम्मेलन हुआ, तो गांधी जी के कहने पर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसकी अध्यक्षता की, और फिर गांधी जी जब कभी अनशन पर बैठ जाते थे तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को बहुत चिंता हो जाती थी, 50 बार उनका हाल पता करते थे, और फिर गांधी जी ने जब सभी ने अपेक्षा आंदोलन किया तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर से इसकी औपचारिक अनुमति ली गई, और फिर जब पुणे जेल में गांधी जी गए तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर उनसे मिलने के लिए वहां तक पहुंच गए थे। अब अगर बात करें शांति निकेतन की, तो 22 दिसंबर 1902 में इसकी नींव रखी गई थी, नाम था ब्रह्मचर्य आश्रम, 5 स्टूडेंट से और इतने ही टीचर। ये स्कूल शुरू हुआ पेड़ की छांव में पढ़ाई होती थी, जो आज भी यहाँ पे इसी तरह से रखा हुआ है। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखने की कोशिश की थी। वो कहते थे, टीचर दीपक की तरह होता है, उसके ज्ञान के प्रकाश में बच्चे सीखते हैं, आप बच्चों से कुछ पाने की उम्मीद मत रखिए। अब शांति निकेतन में दुनिया के बेस्ट टीचर्स का बंदोबस्त किया गया, चाइना जापान से आकर टीचर्स ने पढ़ाना शुरू कर दिया। शांति निकेतन में हॉस्टल वगैरह बनवाने के लिए उसके खर्च को पूरा करने के लिए उन्होंने गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने उड़ीसा का अपना एक मकान बेचा। अब दुनिया में दूर दूर से किताबें मंगवाई गईं। उन्होंने इस स्कूल के खर्च को पूरा करने के लिए लोन भी लिया था। अब पैसों की कमाई का तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का कोई पर्टिकुलर इंतजाम नहीं था, फिर खर्च को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी वाइफ की सारी ज्वेलरी, उसके सोने की घड़ी और एक घर बेचा था। फिर भी जब खर्च नहीं पूरा हुआ तो उन्होंने सारे स्टूडेंट्स की फीस बनाई 13 रुपीज पर मंथ की। सुबह 4 बजे स्टूडेंट्स उठते थे, नहा धोकर राग भोपाली गाते थे, फिर प्रभात फेरी निकालते, और फिर कसरत और योग के बाद क्लास स्टार्ट होती थी। म्यूजिक, पेंटिंग, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, साइंस सबके लिए जरूरी थे। फिर होने लगी बहुत सारे स्टूडेंट्स के आने जाने की बातें, बहुत सारे स्टूडेंट्स शांति निकेतन में आने लगे, लेकिन खर्च के चलते गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर अब थोड़ा सा इससे कतराते थे सबके एडमिशन से। लेकिन फिर जब आसपास की स्टेट से भी उन्हें मदद मिलने लगी तो उन्होंने स्टूडेंट्स को आने दिया, और स्टूडेंट्स को फिर तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए। स्कूल का नाम उन्होंने विश्व भारती रखा, वो इसका नाम विश्व भारती यूनिवर्सिटी नहीं रखना चाहते थे, क्योंकि वो उनके हिसाब से विश्व का मतलब है ब्रह्मांड, और सरस्वती को भारती भी कहते हैं, और भारती
का संबंध भारत से भी ये था तो वो इसका नाम केवल विश्व भारती रखना चाहते थे। तो शांति निकेतन वो जगह है जहाँ पूर्व से पश्चिम मिलता है। उन्होंने कहा था, दिस इज द सिंगल प्लेस वेयर वर्ल्ड मेक होम इन सिंगल नेस्ट। यहाँ पर चीन भवन भी शुरू हो गया जहाँ चाइना से स्टूडेंट आए और उनका एडमिशन हुआ। फिर अमेरिका, जापान, फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड, कई देशों में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर गए और उनको सराहना मिली, इसकी काफी तारीफ हुई और फिर वहां से स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए भी भारत आए। अब गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की उम्र 75 साल हो गई और शांति निकेतन का खर्च बढ़ रहा था। वो शहर दर शहर घूमकर नाटकों का मंथन करते थे और पैसे कमाने के लिए एक चित्रांगदान नाटक का मंथन करने के लिए दिल्ली आए और यहाँ गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई। और जब गांधी जी को पता चला तो वो परेशान हो गए कि बुढ़ापे का जर्जर शरीर लिए गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर शांति निकेतन के लिए पैसा जुटा रहे हैं। तब उनकी प्रार्थना पर किसी ने गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को 60,000 रुपए दिए और उनकी तरफ से गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर से कहा, उन्होंने जिसकी तरफ से पैसे दिलाए उनकी तरफ से गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर से कहा कि वो अब आराम करें। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर भी गांधी जी की मदद देखकर बहुत इम्प्रेस्ड हुए और फिर काफी देर तक कहते हैं रोए भी थे, उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। और दोस्तों, जब देश में जलियांवाला बाग कांड हुआ और सेंसरशिप के वजह से काफी टाइम बाद ये खबर बंगाल पहुंची तो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को इतना गुस्सा आया उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी और फिर देश को एक राष्ट्रगान दिया। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युष्कल बंगा, विंध हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय हे जय हे जय हे। दोस्तों, ये आवाज जो आपने सुनी ये थी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की। और कहते हैं बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था और श्रीलंका का राष्ट्रगान भी कहा जाता है गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और फिर 79 ईयर ओल्ड मल्टी टैलेंटेड गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने पेंटिंग सीखना शुरू कर दिया और 3000 पेंटिंग्स बनाई और ये बहुत मशहूर भी हुई और पेरिस में इनका एग्जीबिशन हुआ। रशिया, ऑक्सफोर्ड, इंग्लैंड, जर्मनी, कई जगह पे उन्हें ऑनर मिला, सम्मानित किया गया। ईरान के राजा की तरफ से निमंत्रण और सर्वोच्च शाही सम्मान से सम्मानित किया गया। फिर ईरान में निमंत्रण मिला और वहां भी सम्मानित किए गए। शांति निकेतन सारी दुनिया में आज भी काफी फेमस है और यूरोप, एशिया, रशिया, कई देशों से लोग आज भी यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। शांति निकेतन के साथ बनाए शांति निकेतन का एक हिस्सा है श्री निकेतन और यहाँ पे घरेलू उद्योग धंधों का प्रशिक्षण दिया जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने श्री निकेतन की जिम्मेवारी अपने बेटे रतेंद्रनाथ को सौंपी थी जो यहाँ पर होने वाले कोर्सेज की ट्रेनिंग लेने के लिए कई देशों में गए थे ताकि यहाँ पर सीखने वाले लोगों को टेक्निक और नई टेक्निक से परिचित करा सकें। लेकिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर
आखिरी बार फ्रांस के टीचर के साथ बात कर रहे थे और अचानक बेहोश हो गए, और जब होश आया तो उन्हें सुनने और बोलने की प्रॉब्लम हो गई। लेकिन कलकत्ता यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया और वहाँ भाषण इंग्लिश में देना था, लेकिन गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये फैसला किया कि वो अपना भाषण बंगाली में देंगे। इस पर जो वाइस चांसलर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थी वो काफ़ी परेशान हो गए, लेकिन गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं माने। उन्होंने कहा, इंग्लिश एक समृद्ध और सुंदर भाषा है, लेकिन हम मातृभाषा की कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते। फिर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने वहाँ पर बंगला भाषा में भाषण दिया और जब कलकत्ता से लौटे उनकी तबीयत और बिगड़ गई और ये खबर फिर सारी दुनिया में फैल गई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने चीफ जस्टिस मॉरिस के साथ डॉक्टरेट की उपाधि शांति निकेतन में भेजी और फिर इस मीटिंग में गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने संस्कृत में भाषण दिया अपना। और फिर जब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़नी शुरू हो गई, उनके डॉक्टर्स के बुलाया गया और डॉक्टर ने कहा कि उन्हें तबीयत खराब है, उन्हें आराम करना चाहिए, बहुत अच्छे से वो करना चाहिए। लेकिन और फिर ऑल इंडिया रेडियो पर सारे देश में खबर फैल गई थी कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की तबीयत खराब है और सारे देश में लोग उनके हालचाल के लिए और पूछने के लिए आए और उनके लिए परेशान भी हुए। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर हमेशा ये सिद्ध करें कि वो अपना आखिरी वक्त शांति कुंज में बिताना चाहते हैं, लेकिन जब तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होती हो गई थी तो उन्हें शांति कुंज से वापस कोलकाता आना पड़ा। तो फिर सारे के सारे टीचर्स और स्टूडेंट गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को छोड़ने के लिए आए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को आखिरी बार देख रहे हैं। फिर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जब वापस कोलकाता आए तो उन्होंने अपने बेटे को एक लेटर लिख कर दिया। शांति निकेतन में जहाँ वो रहते हैं उसके सामने वहाँ उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए। 7th अगस्त 1941 को वो हमारे बीच नहीं रहे। लाखों लोग उमड़ पड़े और ये इंसान 80 साल के जीवन को पूरी तरह से जी कर गया है। कवि, गीतकार, संगीतकार, कथाकार, उपन्यासकार, नाटककार, चित्रकार, देशप्रेमी, सारी दुनिया में घूमकर अपनी एक अनूठी छाप छोड़ कर गए हैं जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। चलिए दोस्तों, यहीं पर अलविदा कहेंगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए सितारे के साथ। अगर आप अपने लिखा कुछ हमारे प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं तो www.radioudaan.com या amitashermaamita8@gmail.com या रेडियो उड़ान स्काइप या फेसबुक पर भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपके फीडबैक का बहुत बेचैन से इंतजार करेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। জব কালি ঘটা ছায় ওরে হো রে, अंधेरा सच को निगल जाए, जब दुनिया सारी डर के आगे सर अपना झुकाए, जब दुनिया सारी डर के आगे सर अपना झुकाए, तू शोला बन जाए, वो शोला बन जाए जो
खुद जल के जहां रोशन कर दे अकला जोलू रे, जो खुद जल के जहां रोशन कर दे अकला जोलू रे, जो दी तोर दाग शुने क्यों ना शे तो मेरा अकला